अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। अगर देश से ईवीएम नहीं हटती है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं वो बताएं। नहीं, अगर देश से ईवीएम नहीं हटती है तो आप मान लीजिए कि आपने सुना होगा कि उन्नाव से जो साक्षी महाराज है जिसने ये कहा था कि भाई अगर इस बार मोदी आ गया तो फिर 2024 में चुनाव नहीं होंगे, तो आप मान लीजिए कि अगर नहीं हटती है तो ये चुनाव अब के बाद संभव होंगे ही नहीं। और एक चीज़ जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अगर अभी ये ईवीएम नहीं हटी, बैलेट पेपर लागू नहीं हुआ और लोग सड़क पर निकल कर नहीं आए, इसका विरोध पूरे देश ने नहीं किया, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ आने वाले समय में 2 साल के अंदर इस देश में या तो गृह युद्ध होगा या लोगों को लड़ने के काबिल ही नहीं छोड़ा जाएगा। इसके इतने गंभीर परिणाम होने वाले हैं, इसलिए ईवीएम को हटाना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे जैसे पार्टियों से मिलते हैं, जैसे जैसे जो पार्टियां हैं जो ईवीएम के विरोध में काम कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो अभी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर ईवीएम आएगी नहीं आएगी, अब आपकी ताकत कहां तक कम रंग लाएगी? देखिए, सरकार जरूर चाहेगी कि उसके जो भी चुनाव हों वो ईवीएम से ही हों, क्योंकि वो बड़े आराम से इलेक्शन जीत लेती है ईवीएम के माध्यम से। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी विपक्षी पार्टियों से, उनके नेताओं से अनुरोध करता हूँ कि उस बात की गहराई को समझें। समय आपके पास ज़्यादा नहीं है। अगर इन 4 राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं इनमें ही ईवीएम को नहीं रोका गया तो आगे फिर आप रोक नहीं पाएंगे और फिर धीरे 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 ये हर राज्य में अपनी सरकार बनाएंगे, जिसका नतीजा यह होगा कि आज राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं है और आज भी पिछले 5 साल में ये इसीलिए बहुत से काम नहीं कर पाई क्योंकि राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं था। अगर इनको नहीं रोका गया और इन्होंने धीरे धीरे ईवीएम के माध्यम से हर राज्य में सरकार ये बनाएंगे तो राज्यसभा में बहुमत होगा और फिर ये जो चाहेंगे संविधान के माध्यम से ही संविधान को खत्म कर देंगे। इसलिए लड़ने का मौका अभी है, समय केवल अभी है, अगर अब नहीं लड़ पाए तो फिर कभी नहीं लड़ पाएंगे। हमारे चैनल से बात करें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।